दोस्त, अगर आप Redmi 4 के यूज़र्स हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Redmi 4 के अंदर आपको नेक्स्ट अपडेट कब मिलने वाला है MIUI 11 का। दोस्तों आपको पता ही होगा कि Redmi 4 के अंदर जो MIUI 11 का फर्स्ट अपडेट आया था उसके बाद से कोई भी Redmi 4 के अंदर अपडेट नहीं मिला है। तो अपडेट दोस्तों कब तक मिलने वाला है Redmi 4 को, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल नंबर फ़ोन का, एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए Redmi 4, ठीक है। तो कब दोस्तों कब तक अपडेट मिलने वाला है Redmi 4 को, तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ कि Redmi 4 को अब जो कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। जी हाँ, जैसे Redmi 4A का जो है डेवलपमेंट बंद हो चुका है, तो ऐसी दोस्तों अब जो है Redmi 4 को कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा MIUI 11 का, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दोस्तों अपडेट मिलना होता तो दोस्तों कब तक मिल जाता, यहाँ पर आप ये देख लीजिए, आप पहले ये देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल जो कि 2018 का है दोस्तों, 2 साल पुराना सिक्योरिटी पैच, ये देखिए आप 2018 अक्टूबर का है और 2020 चल रही है दोस्तों, जब से इसका जो सिक्योरिटी पैच भी अपडेट नहीं करा है, ठीक है, और ना ही अभी तक कोई भी अपडेट मिला है, ठीक है। Redmi 5A को भी नहीं मिला है, पर दोस्तों Redmi 4A को भी अभी तक नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों अब Redmi 4 को जो है अब कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई भी MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, ना ही अब कोई आपको MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी पैच भी इसका अपडेट नहीं हुआ है, अगर सिक्योरिटी पैच अपडेट होता 2020 का होता, 19 का होता, तो दोस्तों तो अभी हम समझ सकते थे कि अपडेट मिल जाएगा, पर दोस्तों 2018 का सिक्योरिटी पैच है, तो इसी वजह से अब जो कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि Redmi 4A का भी डेवलपमेंट जो है बंद हो चुका है। और दोस्तों बात रही अब Redmi 4 की, तो Redmi 4 को भी अब कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये न्यूज़ थी, आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगे या बुरी लगे आपके ऊपर, डिसलाइक करना चाहे डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक करना चाहे तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप भी खुद यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि 2018 का दोस्तों सिक्योरिटी पैच है, आप खुद देख लीजिए। अगर दोस्तों 10% उम्मीद है मिल सकता है, 10% उम्मीद है मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी दोस्तों, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों कोई भी अपडेट आप Redmi 4 को देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों एक ही चारा है कि आप इसके अंदर कस्टम रोम यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास जो PC तो दोस्तों अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं कस्टम रोम इसके अंदर चढ़ा लेता, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए।